वेलकम टू द एग्जाम से ना यूट्यूब चैनल सोच जीतने की। आज मैं आप लोग को बोट एंड स्ट्रीम का यानी धाराई वाला जो करंट वाला होता है, जो दरिया के अंदर में जो नाव चलती है, धाराएं चलती हैं, उसके एक सीजीएल के क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में सेट किया हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। तो दोनों लैंग्वेज को पढ़ने के बाद उसे हम लोग जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरह से आसानी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखा है कि एक्स वाई एक नदी के दो बिंदु है, इन एक्स एंड वाई आर टू पॉइंट्स इन अ रिवर। यानी अगर एक्स एंड वाई, लेट सपोज एक्स एंड वाई है, यहां एक्स है और यहां पर वाई है, ठीक है, एंड पॉइंट पी एंड क्यू, एंड पी और क्यू जो है रेखा एक्स वाई को तीन बराबर भाज्यों में विभाजित करती है। तो पॉइंट और क्यू एंड क्यू जो है, यानी पी एंड क्यू, यहां अगर पी है और यहां पर क्यू है, इस तरीके से इसको तीन हिस्सों में बांट देता है, तीन इक्वल पार्ट से बांटता है x और y को, p एंड q जो है तीन बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब उसके बाद में क्या बोला है, इन थ्री इक्वल पार्ट्स, यानी तीन इक्वल पार्ट्स हो गया, यहां से यहां एक d पार्ट, यहां से यहां एक d पार्ट, यहां से यहां d पार्ट, तीनों इक्वल पार्ट यहां पर हमको मिल गया। उसके बाद क्या बोला है, द रिवर फ्लोज अलोंग एक्स एंड वाई, जो रिवर फ्लो कर रहा है वो अलोंग एक्स एंड वाई, यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है, यानी धाराएं जो चल रही है, जो रिवर का जो पानी का जो धाराएं है वो एक्स और वाई की तरफ दौड़ रही है, ठीक है, उसकी तरफ फ्लो कर रही है। एंड द टाइम टेकन बाई बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू, और बोला कि टाइम टेकन बाई बोट फ्रॉम एक्स टू क्यू, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ तक, ठीक है, एक्स से क्यू तक, एक्स से क्यू तक जो है टाइम टेकन, और फिर उसके बाद में वाई टू क्यू, और मतलब एक बार यहां से यहां, और फिर उसके बाद में यहां से यहां, यानी ये वाला वाई से क्यू, ठीक है, वाई से क्यू, तो वाई से क्यू, तो कितना टाइम लग रहा है यहां पर, फोर इज टू फाइव, यानी फोर यहां पे लग रहा है, फाइव लग रहा है, ठीक है। तो हमें पूछा था रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ द रिवर करंट इज इक्वल टू, यानी डाउन स्ट्रीम और करंट का दोनों का जो स्पीड है उसका रेशियो निकालने हमको बोला है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा। तो अब यहां पे आप देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है मेरे पास, तो डिस्टेंस देखिए, एक पहले क्या से कहां तक गया, पहले यहां से यहां तक है, एक से क्यू, तो एक से क्यू का डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास में, टू डी हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहां पर वाई से क्यू तक आया, वाई से क्यू, तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी डी हो जाएगा, और इसके बाद में यहां पर सो टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, टाइम लगा फोर इज टू फाइव, ठीक है। तो टाइम कहां से कहां, पहले बोला कि एक से क्यू तक के जो टाइम लग रहा है फोर, और फिर वाई से क्यू, यानी ओपोजिट डायरेक्शन में जो आ रहा है, तो वहां पर क्या लग रहा है, फाइव टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो यहां से हम लोग स्पीड निकाल लेंगे, क्या स्पीड निकाल सकते हैं हम लोग यहां से, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना, टू डी अपॉन टाइम फोर, अगर यहां पर, और उसके बाद में यहां पर डी अपॉन फाइव, तो यहां से डी डी कट जाएगा, तो टू वन टू, टू टू फोर, तो कितना जाएगा, फाइव इज टू टू आ जाएगा, मेरे पास स्पीड आ गया, स्पीड में बस कितना आ गया, फाइव इज टू टू। अब मेरे पास में फाइव इज टू टू जो है मेरे पास में स्पीड आ गया। अब ये मेरे पास फाइव क्या है, मेरे पास ये मेरे पास फाइव क्या आया, ये मेरे पास में आया अलोंग द स्ट्रीम, यानी धाराएं के साथ में, तो धाराएं के साथ में आया, तो धाराएं के साथ में मतलब क्या, रिवर प्लस स्ट्रीम के स्पीड में बस कितना आया, फाइव, और ये जो दो आया ये ऑपोजिट द स्ट्रीम आया, ठीक है, ये मेरे पास क्या आया, ऑपोजिट द स्ट्रीम आया, ठीक है, ये दो, तो मतलब रिवर का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड आया दो, तो यहां पर हमको रिवर का स्पीड निकल जाएगा कितना आ जाएगा, सात अपॉन दो, यानी साढ़े तीन, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, साढ़े तीन आ जाएगा, और तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और करंट, करंट का हमको रेशियो निकालना है। तो यहां पर रिवर का आ गया साढ़े तीन, तो यहां पर करंट का यानी स्ट्रीम का कितना आ जाएगा, इसको प्लस करके डिवाइड बाई टू करेंगे तो रिवर का निकल जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो थ्री बाई टू, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा,
थ्री बाई टू मेरा किसका आ गया, ये मेरा करंट का आ गया, इन स्ट्रीम का आ गया, करंट का मेरे पास में क्या आ गया, स्पीड आ गया। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, रिवर प्लस स्ट्रीम यानी लहर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, रिवर प्लस स्ट्रीम, और करंट कितना है, थ्री अपॉन टू है। तो रिवर प्लस स्ट्रीम कितना है, फाइव है, यहां पर थ्री अपॉन टू है। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, तो कितना जाएगा, टू फाइव जै टेन और इस टू थ्री, तो टेन इस टू थ्री मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर टू डी टू डी डिस्टेंस हो गया, टाइम यहाँ पर फोर इस टू फाइव दिया हुआ था, यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल लिए, और फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके रिवर का अलग निकाल लिए, स्ट्रीम का अलग निकाल लेंगे। तो रिवर का निकाल लिए तो यहाँ पर पूछा था डाउन स्ट्रीम और करंट का, यानी स्ट्रीम का करंट धाराएं का, ये दोनों का रेशियो पूछा था। तो यहाँ से हम लोग जो है डाउन स्ट्रीम का हम लोग मालूम है, रिवर प्लस स्ट्रीम जो होता है दोनों को प्लस करते हैं तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाता है, और करंट का हम लोग यहाँ से करंट निकाल लिया, यहाँ से पुट करके टेन टू थ्री यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। तो ये है मेरा हम लोग का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा समझ में ना आया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एग्जाम सेना को।